चलिए दोस्तों, टेक ट्यूटोरियल में फिर से सब लोग और एक बार स्वागत है। आज मैं एक अच्छा चीज लेके आया हूँ जो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगा आज के टाइम के लिए। ये ज्यादा टाइम का वीडियो नहीं है, ये मतलब अभी आपको काम में आएगा, बाद में ये नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये स्पॉन्सर है टेक क्रोम का। ये एक साइट है जहाँ से आपको बाल किस इंडिया में सबसे सस्ता मिल सकता है। ये वेबसाइट चेक कर लीजिए और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ये साइट में बहुत सारा सर्विसेज है, यहाँ से आप देख सकते हैं कितना कितना सर्विस है, यहाँ से आप कोई भी सर्विस उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं हम लोगों का जो मेन कंटेंट है उसके ऊपर फोकस करते हैं। आज का जो मेन कंटेंट है, आज अगर इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको सबसे बड़ा जो मोबाइल वाला सिम वाला आएगा वो है एयरसेल बंद हो गया है और उसको पोर्ट करना है। तो उसके पोर्ट करने के लिए क्या क्या तरीका है, क्या है ना है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, एयरसेल पोर्ट करने का काफ़ी सारा तरीका है। आधा से ज़्यादा जो यूट्यूब कंपनी बोल रहा है वो बेकार है, कोई काम का नहीं है। आप मैं जो दिखा रहा हूँ इसमें थोड़ा बहुत आपका पोर्ट हो सकता है। तो ये जो लिंक है, ये ऐप है, ये मैं लैपटॉप से दिखा रहा हूँ, तो आपको पूरा का पूरा चीज़ मैं यहाँ समझा देता हूँ और बाकी आप खुद ही समझ पाएंगे मेरे पूरा वीडियो देखने के बाद। तो ये ऐप है दोस्तों, ये मैं डिस्क्रिप्शन का लिंक पे दे दूंगा। ये ऐप आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए। उसके बाद आपको पहले एक मैसेज करना पड़ेगा, फिर से बोलता हूँ, पहले एक मैसेज करना पड़ेगा। उसके बाद दो जगह रहेगा, एक जगह रहेगा आपका मोबाइल नंबर और आपका सिम के पीछे एक 5-digit का कोड रहता है, वो डालना पड़ेगा। ये डालने के बाद ये गेट UPC दबाएंगे, यहाँ जो दिख रहा है वो आपको UPC दे देगा। उसको आप कोई भी रिटेलर के पास जाएंगे जो सिम बेचता है, वो आपको पोर्ट करा के दे देगा। ये है दोस्तों सारा बात। और ये ऐप एक ही नहीं है, इस तरह के बहुत सारा ऐप है, वो आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं जो बात बोलने वाला था कि एयरसेल का जो प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करना है, कैसे करना है, यहाँ से आपको एयरसेल का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो को लंबा करके टाइम वेस्ट करने कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग भी सोच रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और मेरे को सपोर्ट करते रहे। बाय बाय आज के लिए।